नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं सब मजे में होंगे। दोस्तों वैसे तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहा हूँ वो देश किसी भी देश से खूबसूरती के मामले में कम नहीं है। एक ऐसा देश जहाँ हर चीज़ को परफेक्ट रूप से लिया जाता है। एक ऐसा देश जहाँ मात्र 10 दिनों के अंदर 5 राष्ट्रपति बदले गए थे। दोस्तों ये एक ऐसा देश भी है जहाँ स्पेन से ज़्यादा स्पेनिश भाषा बोली जाती है, या यूँ कह लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेनिश भाषा इसी देश में बोली जाती है। दुनिया के बहुत सारे नामचीन फुटबॉलर भी इस देश से ताल्लुकात रखते हैं। तो दोस्तों आज हम साउथ अमेरिकन कंटिनेंट के अर्जेंटीना देश के बारे में आपके साथ ऐसी ऐसी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश को अर्जेंटीना रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। ये देश अपनी सीमा 5 अलग अलग देशों के साथ साझा करता है, जिसमें चिली, पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील, बोलिविया है। इस देश की संपूर्ण आबादी है लगभग 4,70,00,000 और ये जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 32वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों अर्जेंटीना 27,36,690 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग पाए जाते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक अर्बन देश है। यहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग शहरी क्षेत्र में वास करते हैं और इस देश की औसतन उम्र है मात्र 31 साल। तो दोस्तों अर्जेंटीना ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश होने के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में भी 8वें स्थान पर आता है। वैसे दोस्तों इस देश का नाम लैटिन वर्ल्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिल्वर। लेकिन अगर बात की जाए फुटबॉल की, तो फुटबॉल के मामले में इस देश ने दुनिया को सिर्फ और सिर्फ सोना ही दिया है। पूर्व महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना को कैसे भूल सकते हैं, और आज के दौर के सबसे महानतम फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी इसी सिल्वरलैंड से हैं। तो साथियों ब्यूनस आयरस यहाँ की राजधानी है, और आपको बता दें कि साउथ अमेरिका की सबसे ज़्यादा भ्रमण की जाने वाली जगह भी यही है। दोस्तों दिसंबर 2001 इस देश के लिए सबसे खराब रहा था। आज भी यहाँ के लोग 19 व 20 दिसंबर को याद करके रोते रहते हैं, क्योंकि इसी दिन यहाँ सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी और इसी बीच मात्र 10 दिन के अंदर यहाँ 5 राष्ट्रपति बदल दिए गए थे, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा यूनिक है। दोस्तों 1816 में इस देश ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की और 1856 में इस देश ने अपने संविधान का निर्माण किया, जिसे आज भी यहाँ के देशवासियों द्वारा फॉलो किया जाता है। और दोस्तों अगर आप खाने के शौकीन हैं तो एक बार इस देश की सैर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस देश में बनाए जाने वाली मीट की तारीफ हर दूसरा व्यक्ति करता है। और आपको बता दूं इस देश में मिलने वाला मीट दुनिया का सबसे बेहतरीन मीट माना जाता है। बाय द वे दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट खाने वाला देश अर्जेंटीना ही है, और मैं आपको बता दूं जब भी आपको मीट खाने का मन करे तो एक बार यहाँ के मीट को जरूर चख लें। ब्यूनस आयरस का बंदरगाह यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यहाँ से लगभग 80% आयात और निर्यात का काम किया जाता है, और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी इसी शहर में स्थित हैं। वेल फ्रेंड्स, इस देश में 5 साल तक के बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य है। देश में स्कूल का वर्ष मार्च से शुरू होता है और नवंबर में समाप्त होता है। देखा जाए तो बहुत ही पढ़ा लिखा देश है। यहाँ की शैक्षिक दर लगभग 99% है। आपको बता दें कि घूमने फिरने के लिए यहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह हैं जो आपके मन को मोह लेंगी। जैसे यहाँ का जो मॉडल प्लाटा शहर है, यात्रा करने के लिए बहुत ही दिलचस्प स्थान है, और ये शहर देश में पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। साथ ही यहाँ बहुत सुंदर समुद्र तट भी हैं। इस देश की पेंटागोनिया की घाटी भी घूमने फिरने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। दोस्तों इस देश की करेंसी है अर्जेंटाइन पैसो, जो भारतीय रुपये के लगभग बराबर ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में इस देश की सरकार में एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष शामिल हैं। दोस्तों अर्जेंटीना में एक विधायिका भी है, जिसमें कांग्रेस, सीनेट और चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज शामिल होते हैं। दोस्तों अर्जेंटीना समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला साउथ अमेरिका का पहला देश है, जिसने वर्ष 2010 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी थी। बता दें दोस्तों कि इस देश में सुंदर दिखने के लिए लोग बेहिसाब डाइटिंग करते हैं, जिसके कारण इस देश में एरोनेक्सिया नामक बीमारी के मरीज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ भोजन की कमी से होने वाली बीमारी है। और अगर बात नाचने गाने की हो तो यहाँ के लोगों को नृत्य बहुत पसंद है। यहाँ के अधिकांश लोग बेलारूम डांस व टेंगो डांस बड़े चाव के साथ करते हैं। तो ये था दोस्तों साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना देश। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय माता दी।